लोक इंसाफ पार्टी के कन्वीनर सिमरजीत सिंह बैंस ने आज फरीदकोट का दौरा किया और कुछ नए अहदेदारों को भी नियुक्त किया। वहीं बैंस ने हर विरोधी पर शाब्दिक वार किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोक इंसाफ पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे का दरिया चलाने वाले और लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले चाहे विदेश में भी चले जाएं, उन्हें किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आज पंजाब के अंदर सरकार बन जा रही है साढ़े आम आदमी पार्टी लोक इंसाफ पार्टी की। बादल नूं भी पता, कैप्टन नूं भी पता, वो अनैलो चटालिया के उंगल लाते हैं कि पंजाब दे विच नवी बन जा रही सरकार लई मुसीबतां खड़ियां कीतियां जाण। ते अनैलो वाले चटाले जिहड़े आ घोड़ू ते ओह मारदे आ दमगजे, धमकियां दिंदे आ पंजाब दे लोकां नूं, उहनां लोकां नूं धमकियां दिंदे जिन्हां ने कुल दुनिया दे विच अपनी दलेरी दे झंडे कढ़े आ। सरकार बनने तो बाद पंजाब दी पवित्र धरती नूं जिहड़े लोकां ने चिट्टे दे दरिया दे रूप दे विच बदलिया, उहनां नूं कलरों फड़ के जेल दे विच, जिहड़े जेलां दे विच बेचारे नशेड़ी बैठे अद्धे अद्धे ग्राम वाले स्टांक स्टांक वाले, उन्हां नूं लिया के रिहैबिलिटेशन सेंटरां दे विच, जिहड़े लोकां ने राजनीति दा धंधा करदे हुए माफिया बना के पंजाब नूं लुट्टिया, 3 लाख करोड़ तो वाधा करजई कीता, मत सोचण वी उह बच जाणगे अमरीका कनेडा जिथे मर्जी जा के उह पैलां पाई जाण, बचणगे नहीं लोकां दी सरकार कोलों। इस बार मैं बहुत खुश हाँ यार, जिहड़ा बादल दा लिफाफा कल्चर सी ना, लिफाफा कल्चर दा भोग पिया। लिफाफे दे विच्चों प्रधान निकलदा सी श्रोमणी कमेटी दा, लिफाफे दे विच्चों मुख्यमंत्री निकलदा सी, लिफाफे च सारियां गल्लां आउंदियां सी। इस बार लैजिस्लेचर नूं MLA नूं अपना अधिकार दिता कि MLA ने अपना लीडर चुनना। SYL नहर उही आ जिहड़ी बादलां दी गदारी दे कारण असीं सुप्रीम कोर्ट दे विच्चों केस हार गए। ते दोस्तों SYL नहर पंजाब दे विच कदाचित बन नहीं दित्ती जाएगी। एक तुबका भी असी पानी दा ना हरियाणे नूं देना, ना असी राजस्थान ते ना देना दिल्ली नूं। फरीदकोट से गुरजीत रमाणा की रिपोर्ट।